हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का टीचिंग मैप चैनल पे। तो अभी अभी इंडियन एयरफोर्स ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है रिक्रूटमेंट के लिए। वो रिक्वायरमेंट आपका फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर के लिए है। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और 30 दिसंबर इसका लास्ट डेट है, वो भी 5 PM तक। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो इसकी मेन वेबसाइट, इसमें दो वेबसाइट है आपको, एक है करियर इंडियन एयरफोर्स CDAC.in और दूसरा वेबसाइट है AFCAT.CDAC.in। इन दोनों वेबसाइट में आप जाकर इसको अप्लाई कर सकते हो। इसमें चाहे वो मैन हो चाहे वो मैन हो, दोनों के लिए ही ये फॉर्म निकला गया है। तो ये फॉर्म आपका दिसंबर में ही फिल होगा, पर इसका जो एग्ज़ाम है या फिर जो ए ट्रेनिंग डेट, तो वो इसकी नेक्स्ट मंथ या 2-3 मंथ बाद आपको मिलेगा। तो यहाँ पर इसमें देख सकते हो आप कि यहाँ पर अलग अलग ब्रांचेस दिए हैं, पोस्ट दिए हैं, कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें मैन एंड वोमेन के लिए अलग अलग कैटेगरीज दिया है वैकेंसीज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप इस PDF में देख सकते हो। इसके बाद इसमें एज दिया है कि कितना एज होना चाहिए कौन से पोस्ट के लिए। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में जा रहे हो तो आपका 20-24 ईयर होना चाहिए, वो भी 1 जनवरी 2014 के बेसिस पे। मतलब उनका बर्थ डेट भी लिखा है कि बर्थ ईयर भी लिखा है कि वो कैंडिडेट जो 2000 एंड 2004 में बर्थ हुआ है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। इनका डेट भी लिखा है। आपको ग्रैंड ड्यूटी से है तो 20-26 ईयर उनका एज होना चाहिए। उनका बर्थ ईयर भी लिखा है कि अगर वो 1998 से 2000 के बीच में अगर वो बर्थ हुए हैं तो वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये लिखा है यहाँ पे। इसका ऑफिशियल वेबसाइट दिया है और यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड भी दिया है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपका टोटल कितने डेज तक या कितने वीक तक आपका ट्रेनिंग पीरियड चलेगा। तो यहाँ पर लिखा है 74 वीक तक आपका ट्रेनिंग पीरियड चलेगा। इसमें फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर दोनों के लिए ही है। यहाँ पर एक सैलरी दिया है इंडियन एयरफोर्स के लिए जो पे लेवल 7th कमीशन को फॉलो करेगा। तो इसका जो स्टार्टिंग है वो 56 है और बाकी आपका चलते जाएगा। पे लेवल इसका 10 है सॉरी। इसके बाद इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, जैसे आपको बेनिफिट मिलेगा, अलाउंस मिलेगा, प्रिविलेज का मिलेगा, इंश्योरेंस का मिलेगा। इसमें अलग अलग कैटेगरीज वाइज इसमें दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हैं कैंडिडेट के लिए। जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, सेपरेट टैब के अकॉर्डिंग जो उसके मेन वेबसाइट में दिए गए हैं। टैटूज वगैरह के लिए भी इसमें दिया गया है कि कोई भी विजुअली बॉडी पार्ट्स में टैटूज नहीं होने चाहिए। इसमें ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी नॉन विजुअल पार्ट में टैटूज नहीं होना चाहिए। नारकोटिक्स के लिए भी दिया है कि इसमें दिया है कि यूज पोजिशन ऑफ नारकोटिक्स इज बैन। अगर कोई नारकोटिक्स या फिर कोई ड्रग्स वगैरह यूज कर रहा है तो उसके लिए वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता। अगर जिस समय मेडिकल टेस्ट होगा या फिर ट्रेनिंग पीरियड चलेगा तो उस समय अगर उसके बॉडी में कोई भी तरह का ड्रग्स या फिर नारकोटिक सब्सटेंस अगर पाया गया है तो उस कैंडिडेट को वहीं पर ज्वाइनिंग के टाइम में या फिर ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ही उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसके बाद ऑनलाइन जो टेस्टिंग है AFCAT एग्जामिनेशन और उसके फीस स्ट्रक्चर दिए गए हैं इसमें। तो इसमें 250 आपका नॉन रिफंडेबल फीस जो इसका हर कैटेगरी के लिए इसमें दिया गया है। इसमें ट्रेनिंग के दौरान कोई भी मैरिज कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। इसमें अनमैरिड मांगा है। इसमें आप देख सकते हैं मैरिटल स्टेटस में कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स एंड मैरिज इज नॉट परमिटेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के दौरान कोई भी मैरिज कंडीशन या मैरिज परमिशन नहीं दिया जाएगा। अगर कोई भी कैंडिडेट, इसमें लिखा भी है, कोई कैंडिडेट जो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान अगर मैरिज है तो वो उसी समय डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अगर कोई सोचा है शादी वगैरह करने के लिए तो उस समय वो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर इसमें और इंस्ट्रक्शन है, कैंडिडेट के पास खुद का एक यूनिक रजिस्टर ईमेल आईडी होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान। और जो कैंडिडेट ऑनलाइन फिलअप कर रहे हैं फॉर्म को तो उनके पास एक वैलिड इंफॉर्मेशन होना चाहिए और सही तरीके से इंफॉर्मेशन फिलअप होना चाहिए, क्योंकि बाद में वो करेक्शन नहीं किया जाएगा। ट्रेवल अलाउंस के बारे में लिखा है, फिजिकल कंडीशन कैसी होनी चाहिए वो लिखा है,
कि आपको 1 माइल मतलब 1.6 किलोमीटर 10 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है, 10 पुशअप 3 चिन्स ये भी कंप्लीट करना है आपको। क्वेरी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो या कोई भी डाउट्स वगैरह हो, एडमिट कार्ड या कोई रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एग्जाम्स प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसके रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इसमें लिखा है ये नंबर पे। ये एयरफोर्स जो इंडियन एयरफोर्स वैकेंसीज निकाला है रिक्रूटमेंट, उसके रिगार्डिंग ये आज का अपडेट था। तो आप इस PDF को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इस PDF का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही अगर आपको और जॉब अपडेट के लिए जानना हुआ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच।